ठीक है। क्या हुआ, नाम क्या है?
परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि है। धर्म को धारण किया है उसने, इसलिए शब्द है धर्म धारक। कैसे धर्म को धारण किया है कि आज्ञा का अनुसरण करके धर्म को धारण किया है, तो आज्ञानुसारी धर्म धारक। अभी प्रश्न मेरा यह है कि किसकी आज्ञा का अनुसरण करता है, प्रश्न क्या है जवाब, किसकी आज्ञा का अनुसरण करता है, किसकी आज्ञा को मानकर धर्म को धारण किया हुआ है इस जीव ने, जो दूसरे नंबर का जो भेद है ना व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि का, क्या नाम है उसका, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म द्वारा व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो अब किसकी आज्ञा का अनुसरण करा है इसने, बोलो भाई किसकी आज्ञा का अनुसरण करा, बोलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानकर जो उन्होंने कहा उस प्रकार वह धर्म में लगा है, उसका अर्थ हुआ आज्ञानुसारी धर्म धारक। क्या हुआ आज्ञानुसारी धर्म धारक का क्या अर्थ है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण करके जो धर्म में लगा हुआ है वह क्या है, आज्ञानुसारी धर्म धारक। और वह व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि क्यों है, क्योंकि उसने परीक्षा नहीं की। गजब की बात है क्या, अब पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको क्या, किसकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा है वो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण कर रहा है। मिथ्या दृष्टि क्यों है, मिथ्या दृष्टि क्यों है, तो बोले परीक्षा नहीं करी, किसकी परीक्षा नहीं करी, किसकी परीक्षा नहीं करी, कि जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है उसकी परीक्षा। अच्छा, तो मैं जिनेंद्र भगवान की परीक्षा करूं, इतना बड़ा हो गया क्या मैं, कहां वो सर्वज्ञ, कहां मैं अल्पज्ञ है, और आप कह रहे हो कि मैंने जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है उसकी परीक्षा नहीं करके जो उनकी आज्ञा का अनुसरण करके धर्म में लगा हुआ है उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, तो क्या मैं अल्पज्ञ सर्वज्ञ की बात की परीक्षा कर सकता हूं, बोलो क्या समस्या समझ में आई आपको, बाकी बात समझ में आई आपको है। मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितने भी मत चल रहे हैं जगत में, जितने भी मत चल रहे हैं जगत में, सभी मत वाले अपने आराध्य देव को सर्वज्ञ मानते हैं क्या, और अपने गुरु को मर्मज्ञ मानते हैं। दो बातें हैं अल्लाह साहब, क्या जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म जगत में चल रहे हैं, सभी जीव अपने आराध्य देव को क्या मान रहे हैं, सर्वज्ञ मान रहे हैं, और जिन गुरु का वह अनुसरण करते हैं उस गुरु को क्या मान रहे हैं, मर्मज्ञ मान रहे हैं, और सभी जीव जो उनके धर्म में सर्वज्ञ ने कहा उसी को स्वीकार करके अनुसरण करते हैं। यदि आप सर्वज्ञ की आज्ञा का अनुसरण करके अपने को धर्मात्मा मानते हो, तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर है, प्रश्न समझ में आया क्या गजा साहब, आपने अपने आराध्य देव को सर्वज्ञ माना है और उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, उसने भी अपने आराध्य देव को सर्वज्ञ माना है और वह भी उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा है, तो फिर दोनों धर्मात्मा हो गए, बोलो बोलो क्यों, आप तो अपने को धर्मात्मा मान रहे हो और उसको धर्मात्मा नहीं कह रहे हो, क्यों भाई, जैसा आपका संतान है, आपका क्या संतान है कि मैंने जिनको भगवान माना है वो सर्वज्ञ है,
उसने भी जिनको भगवान माना है वो मानता है कि मेरे भगवान सर्वज्ञ है। आप भी भगवान ने जो कहा उसी आज्ञा का अनुसरण करते हो, वो भी उनके भगवान ने जो कहा उसकी आज्ञा का अनुसरण करता है, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या है? किस आधार से आप अपने को धर्मात्मा कहते हो? बोल, बात पकड़ में आ रही है आपको? तो आप अभी कहोगे साहब हमारे भगवान तो सर्वज्ञ है, उनके तो सर्वज्ञ नहीं है, आपके भगवान क्यों सर्वज्ञ है? स्कूल में जन्म हुआ है हमारे भगवान तो सर्वज्ञ, वो बोलेगा नहीं हमारा भी इसी कुल में जन्म हुआ है हमारे भगवान भी सर्वज्ञ, फिर क्या चक्कर नहीं? बात समझना, मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? कितना जबरदस्त मुद्दा है। हे आप सही संप्रदाय, हे आप बिल्कुल सही आराध्य देव के समय, लेकिन यदि कुल परंपरा का जोर है तो भी मिथ्या दृष्टि है, और परीक्षा रहित है तो भी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? क्या मिथ्या दृष्टि किसको कहने बाबूजी? जिसकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ, गजब की बात है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हो आप, रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो आप, बिना छना जल काम में नहीं ले रहे हो आप, उन्होंने जो श्रावक के सतावश्यक कहे हैं उसी का पालन कर रहे हो, लेकिन किससे पालन कर रहे हो? आज्ञा के अनुसार पालन कर रहे हो तो आप मिथ्या दृष्टि हो। कल को समझ में आया आपको? पसीना छूट जाएगा ना? उनका तर्क क्या है, करोड़पति साहब का तर्क, कि आपने अपने भगवान को सर्वज्ञ माना है, ठीक है, अन्य मत वाले ने अपने भगवान को सर्वज्ञ माना है, ठीक है, आप अपने भगवान के अनुसार उनकी आज्ञा को मान रहे हो, वह उनके भगवान के अनुसार आज्ञा को मान रहा है, तो आपके हिसाब से तो दोनों धर्मात्मा हुए, तो दोनों धर्मात्मा है क्या? जब दोनों धर्मात्मा नहीं है तो आप बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कजा साहब धर्मात्मा? बोल, एक कुल परंपरा वाला बात को हो गया, एक बिंदु विचार करने का। दूसरा बिंदु यह है कि आप कह रहे हो कि मैं जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण करने वाला हूं। पहले आपने एक खोज करी कि ये बात जिनेन्द्र भगवान ने ही कही है कि किसी अन्य ने कही? बोलो, ये बताओ। ये थोड़ी सी आवाज कम, बिल्कुल थोड़ी सी। हेलो, थोड़ी सी बात, हेलो बस। क्या तेरे सब अभी ये 2500 वर्ष का एक कालखंड है। अब शास्त्र में जो आप पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र भगवान ने कही है कि नहीं कही है, इसका आपने विचार किया? बोलो, दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी बाबूजी? इतना लंबा 2500 वर्ष का कालखंड है, इसमें जो आपके पास उपलब्ध साहित्य है, इसमें जो बातें आई है, सभी जिनेन्द्र भगवान ने कही है कि कुछ अंदर पापियों ने भी मिलावट कर दी, या कुछ समय के इस परिस्थितियों के बस उसमें वो आ गई। बोल, अब कैसे बात का विचार कर रहे हैं? बोलो, कैसा साहब, अभी आप जैसे बोलते हो ना कि मेना सुंदरी ने वो सिद्ध चक्र का विधान रचा था और वो बोर्ड ठीक हो गया। किससे ठीक हो गया?
कैसे ठीक हो गया? सिद्ध चक्र का विधान बचाया था तो सिद्ध चक्र के विधान से ठीक हो जाता है ना। अरे बोलो ना भाई, आदम में कैसे लिखा हुआ आपको आएगा प्रथमा योग में? अपन अभी आत्मा अधिकार पढ़ेंगे कि प्रथमा योग की कथन पद्धति कैसी है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब आप आज्ञा मानो, क्या सब हम पूजा करेंगे और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? तो बिल्कुल ठीक नहीं हो तो फिर आपकी श्रद्धा रहेगी? फिर जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगी? सो लोग जाते हैं सेम भावना लेकर, तो किसी एक लोग का काम हो जाता है वो तो कहता है भगवान ने कर दिया, और बाकी का जिनका काम नहीं हुआ वो क्या किसने रोका? तो देखो बहुत मार्मिक बिंदु है यहां टोटलमली साहब ने उठाया है। ये बहुत मतलब ये समझ लो टोटलमली साहब की विशेषता है, क्योंकि आप आलम का अभ्यास करके ये बात नहीं निकाल सकते जो उन्होंने निकाली है। क्या निकाली है? कि मात्र आज्ञा का अनुसरण करने से धर्म धारण नहीं हुआ जाता। क्या कह रहे हैं? मात्र आज्ञा का अनुसरण करने से, किनकी आज्ञा का अनुसरण करने से? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण से धर्म धारण नहीं हुआ जाता। तो क्यों नहीं हुआ जाता भैया? परीक्षा जरूरी है। काय क्या जरूरी है? कहो साहब क्या जरूरी है? परीक्षा जरूरी है। जैसे ही परीक्षा की बात आती है तो इसके चित्त में प्रश्न हो जाता है, क्या साहब मैं तो हूं अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की कैसे परीक्षा कर सकता हूं उनकी बात की है? क्या प्रश्न आ जाता है कि मैं तो हूं अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की बात की कैसे परीक्षा कर सकता हूं? एक बात आप अच्छे से समझना, क्या अपने साथ समस्या क्या है? पहली बात तो यह है कि वह बात सर्वज्ञ की है कि नहीं है इसकी तो परीक्षा करो। क्या जाता किसकी बात, किसकी परीक्षा करनी है? आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ की बात की मैं परीक्षा नहीं कर सकता हूं, ठीक है अभी इस पर भी विचार करेंगे, लेकिन पहले जो बात आपके सामने है वह सर्वज्ञ की है कि नहीं है इसका तो विचार करो। तो साहब कैसे विचार करें? बोलो कैसे विचार करें? कहते साहब बोला आप जो कह रहे हो ये बात सर्वज्ञ की है कि नहीं कैसे विचार करें? सर्वज्ञ कहते ही उनको है कि जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। बाबू सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जो सर्वज्ञ हैं उनकी बात आपस में कभी भी कटती नहीं होगी, विरोध वाली नहीं होगी। क्या कहा साहब क्या बात समझ रहे हैं? हाँ ऐसा नहीं होगा कि यहां कहा जाएगा पुण्य को धर्म है और वहां कहा जाएगा कि पुण्य को मेटना है, ऐसा विरोध नहीं होगा। साहब कहा तो है वो आप अपेक्षा नहीं समझ रहे। आएगा सब क्या लगता तो परस्पर विरोध वाली बात है ना, लेकिन विरोध नहीं है, आप अपेक्षा नहीं समझ रहे हो, क्योंकि सर्वज्ञ की बात में विरोध नहीं हो सकता, तभी तो वो सर्वज्ञ है। आपकी बात में तो है अल्पज्ञ, तो क्योंकि अल्पज्ञ तो सब कुछ जानता ही नहीं, यहां कुछ कहेगा और आगे कुछ कहेगा तो मिलान नहीं होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया अल्पज्ञ की बात है सर्वज्ञ की बात है। क्योंकि अल्पज्ञ ने जितनी भी बातें अपनी मर्जी से चालू करी है सब में विरोध आया है। नहीं बहुत जी कहां कहां सुधार करेंगे? आपने मूर्ति पूजा बंद कर दी और आपके ग्रंथों में फिर अकृत्रिम चैत्यालय और जिनमें की बात आई है, अब क्या करना है? तो आपने कल्पना से करी बात तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां टोटल मुझे साहब ने सबसे पहले बिंदु उठाया है कि सभी संप्रदाय वाले अपने देव को सर्वज्ञ मानते हैं और उनकी आज्ञा का वो अनुसरण करते हैं,
यदि सर्वज्ञ मानकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से धर्मात्मा हुआ जाता है तो फिर सभी धर्मात्मा कहलाएंगे। सो है नहीं, इसीलिए आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। अब किसकी परीक्षा करनी है, साहब आप अल्पज्ञ हो तो वो सब बातें अब इस प्रकरण में आएंगी। ठीक है, चले अपन बात समझ गए, आप आधार समझ गए। देखो क्या परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि, क्या अर्थ है इसका पैराग्राफ इसका जो मैंने नाम बोला व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है। कौन कौन? जो आज्ञानुसारी धर्म धारक है लेकिन परीक्षा रहित है। क्या कौन है मिथ्यादृष्टि के जावा साहब? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म को धारण करा हुआ है लेकिन जिसने परीक्षा नहीं करी है वह मिथ्या दृष्टि है। ये इस प्रकरण का विषय वस्तु है, गजब की बात है ना? है? देखो क्या है? कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, क्या आज्ञानुसारी जैन हमारे हमारे धर्म में तो ये जो आज्ञा है बस हम इसका पालन करेंगे और हम तो जैनी हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं सो हम क्या है हेमंत जी भाई साहब? जैनी है। किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो आप? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो सो हम जैनी हैं। ठीक है, अब आगे उत्तर। जैसा शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, गजब की बात है कि साहब शास्त्र में कही हुई बात जो मानता नहीं है वो तो अभी इस पिक्चर में ही नहीं है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहना साहब? शास्त्र में जो कहा है और जो मानता नहीं है वो तो अभी इस पिक्चर में ही नहीं है। अभी तो यहां किसकी बात चल रही है? जो शास्त्र में कहा है उस प्रकार मानते हैं। क्या मालूम हमारी जितनी कमाई होगी उसका इतना हिस्सा दान देने की बात कही है और हम देते हैं। गुरुओं ने आचार्य भगवंतों ने छह आवश्यक कहे तो हम उसका पालन करते हैं। है? क्या हेमंत जी भाई साहब उनकी चर्चा है, किनकी चर्चा है? जो शास्त्र में कहा है उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी चर्चा। देखो जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं परंतु आज्ञा की परीक्षा नहीं करते, गजब की बात है। किसकी परीक्षा नहीं करते? आज्ञा की परीक्षा नहीं करते, गजब की बात। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा की भी परीक्षा करें है? प्रश्न तो ये है जी, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा की भी परीक्षा तो करें। बोले नहीं करोगे तो परीक्षा नहीं तो जाओगे, और परीक्षा करें तो कैसे करें वो बात है। यहां पर देखो आज्ञा, यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए। क्या कह रहे हैं सब बात कर रहे? ये तक तो आपके गले उतर गया। हर धर्म वाले अपने गुरु की जिनको देव मान रहा है उनकी आज्ञा को मानते हैं तो सब धर्मात्मा हो जाएंगे। इसीलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, जी वैसा क्या ड्यूटी है आपकी? मानदानत तो है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, लेकिन कैसे करके? क्या कैसे करके? परीक्षा कर। आई बात समझ? क्या परीक्षा नहीं करे और आज्ञा मान ले तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। परीक्षा करके वही बात माने
अगस्त ही हो गया, अरे गजब की बात है। तो अब आप इतना परीक्षा पे क्यों जोर दे रहे हो, है मुद्दा तो यह है क्या कह रहा था? सर्वज्ञ की परीक्षा तो अल्पज्ञ को ही करनी पड़ेगी कि ये सर्वज्ञ है कि नहीं। सर्वज्ञ तो नहीं आएंगे परीक्षा करने, भाई आपके भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं, कौन परीक्षा करेगा? अल्पज्ञ करता। आप बताओ कौन करेगा? आप बताओ ना भाई, आप आपके भगवान सर्वज्ञ है, इसकी परीक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करेगा अब कौन करेगा? चलो अल्पज्ञ नहीं करेगा तो कौन करेगा ये बताओ, कौन करेगा? भाई परीक्षा कौन करेगा ये बताओ? जगत में भी परीक्षा तो आपको ही करनी पड़ती है। करेगा भाई, सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ हो गए, उनको क्या है? वो तो आके परीक्षा करने से रहे हैं। अभी देखना सबसे बड़ी समस्या क्या है कैलाश साहब, जगत के जितने भी जीव हैं सभी अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, पहले नंबर की बात। अब सर्वज्ञ कितने हैं? सर्वज्ञ कितने हैं? सबके अपने अपने मत के आराध्य देव सर्वज्ञ, और असली सर्वज्ञ कितने हैं? कम से कम सर्वज्ञ की पहचान तो होनी चाहिए, और सर्वज्ञ बनने की जो विधि है वो सच्ची है कि नहीं वो आपको पता होनी चाहिए ना। कि सिर्फ आपने झंडा उठा दिया है, उसने भी झंडा उठा दिया है, इसने भी झंडा उठा दिया है, सबने अपने अपने संप्रदाय का झंडा उठा दिया। बोलो कितनी कितनी बारीकी से बाबू जी विचार कर रहा है टोटल मेरे साथ, कि आप मानो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करना है आपको? परीक्षा करके मानो, क्योंकि परीक्षा बिना आपने यदि मान लिया तो आप में और अन्य मत वालों में क्या अंतर है ये बताओ। क्या बात कही पहले नंबर पर? परीक्षा बिना यदि आपने मान लिया और आप उसके आधार से अपने को धर्मात्मा मानते हो तो आप में और अन्य मत वालों में क्या अंतर है? बोलो, कोई अंतर है? नहीं है ना। अब आगे अभी बहुत सुंदर बात कही टोडर जी, बिना परीक्षा किए सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो? बाबूजी तो क्या जिनेंद्र भगवान असत्य कहेंगे? क्या गुरु असत्य कहेंगे जो हमारे को बार बार उनकी परीक्षा लेने की बात कह रहे हो? अरे भैया तेरे को निर्णय सही करना है कैलाश साहब। निर्णय किसको सही करना है? तेरे को निर्णय सही करना है, संशय रहित होना है तेरे को। तो परीक्षा किसको करनी पड़ेगी? परीक्षा किसको कहते करनी पड़ेगी? तेरे को करनी पड़ेगी। गजब की बात है। जैसो आप मेरे मानो सोने चांदी का व्यापार है कैलाश साहब, है ना, आपने मेरे को मान लिया है कि इनका काम प्रामाणिक है, आप मेरे यहां सोना खरीदने के लिए आए और मैंने बोल दिया है 92 टंस का सोना है और आपने ले लिया, तो आपका निर्णय मजबूत हो जाएगा? बोलो, संशय बिल्कुल एकदम संशय रहित हो जाएगा? बोलो कब होगा? कब होगा? आप खुद विचार करना, जब आप मेरे द्वारा दिया गया माल उसको ले जाकर मशीन पर रखोगे और वहां से आपको ये 92 टन चाहिए, तो आपके निर्णय कैसा हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैंने 92 टन दिया और आपने भी 92 टन लिया, लेकिन परीक्षा करने से कितना फर्क हो गया? निर्णय में सत्य और असत्य का जबरदस्त निर्णय हो गया। क्या सही? ये सही है, और आपके उस निर्णय में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप कहोगे ये 100% 92 का मान। किसके आधार से कहोगे आप? किसके आधार से कहोगे? परीक्षा के आधार से है?
और यदि आप मेरे से मान लेके गए और आपको विश्वास है मुझ पर और आपने लिया ये 90-20 आपके किसी मित्र ने कहा अरे जमाना खराब है आजकल कोई किसी का नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस से कह पाओगे ये 92 टन का है भले ही माल 92 टन का है। बोलो बात पकड़ में आई आपको हजार साहब। ये अभी तो ये आप इधर की बात छोड़ो, मैं आपको लौकिक बात बता रहा हूं कितना अंतर है दोनों में। एक बार आप मुझसे माल लेके गए और आपने टेस्ट कराकर आपको पता चल गया कि 92 टन का, एक बार आप मेरी विश्वास पर ले गए और 92 टन का माल है, अब आप ले जाकर आपने घर पे कहा है ना परिवार वाल बोले नहीं क्या गारंटी है आजकल तो 92 टन का है सब आजकल गड़बड़ी करते हैं, तो आपने यदि टेस्ट करा के लाए हो तो आप कह सकते हो ना मैं गारंटी लेता हूं 100% क्या ये 92 टन का माल है। बोलो है ना, और जिसमें आपने टेस्ट नहीं करा होगा उसमें क्या बोलोगे आप है ना, वो निर्णय यही बात टोनरमल साहब ने कही है। क्या कही है, बिना परीक्षा किए सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो। कितनी गजब की बात है, आपने धर्म को क्या समझ लिया है, कुछ भी कोई सुना देवे और अपन कुछ भी मान ले हाँ साहब ये कोई धर्म है क्या। और आजकल तो 24 घंटे टीवी पे चालू है, जो चैनल खोलो सभी में धर्म की बात आती है, तो सब सही है क्या है? कुछ भी कोई सुना देवे तो, और सबको अपने अपने इंटरेस्ट की बात अच्छी लगेगी है, कोई गृहस्थी की बात सुनाएगा हाँ बात तो सही है घर में ऐसा ही रहना चाहिए, कोई उधर की बात सुनाएगा, कोई क्रिया की बात सुनाएगा, कोई दान का कहेगा, कोई उसका कहेगा, सबको अपनी बात अच्छी लगती है। और मुद्दा यह है सबसे पहले तो कौन सी बात जिनेंद्र भगवान ने कही है और किसकी अपने को बाबूजी परीक्षा करनी है, अपनी सबकी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है, परीक्षा करने की। अभी प्रश्न आएगा कि किसकी परीक्षा करें, हम तो अल्पज्ञ हैं। क्या कह जाओ साहब, आप जो कह रहे हैं ना वो प्रश्न टोडर मंजी साहब खुद यहां खड़ा करेंगे कि साहब हम अल्पज्ञ हैं, यदि अब हम सुमेरु पर्वत मापने जाएंगे 1 लाख योजन का तो कैसे मापेंगे। आप कहोगे कि आलू में अनंत जीव है ऐसा तो सर्वज्ञ ने कहा है, अब हम कौन सा माइक्रोस्कोप बनाएंगे जिससे हमको अनंत जीव दिखे जान लें, तो फिर वहां कहेंगे कि जिसकी तू परीक्षा ले सकता है प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उसकी तो परीक्षा करनी, और जिन शास्त्रों में तू परीक्षा करके तेरे को सिद्धांत सही लगे उन शास्त्रों की शेष सभी बातें जिसकी तू परीक्षा नहीं कर सकता उसको आज्ञा के अनुसार मानना, ये है जिम्मेदारी। आई बात सर, क्या कह रहा सर, मैंने कहा ना कि चारों तरफ डुप्लीकेट माल भरमार है, अब आपको माल ओरिजिनल खरीदना है। मुद्दा यह है क्या, चारों तरफ धर्म के संबंध में झूठ का बोलबाला है, और झूठे मारने से धर्म प्रकट नहीं होगा ये आप जानते हो, और अब आपको इस भूमिका में इस जगह देकर सच्चा मार्ग ढूंढना है, तो क्या करना है बोला मुद्दे वाली बात बाबूजी। हाँ भाई, आप बाजार में माल लेने के लिए गए, सोना 200 दुकानें सुनारों की यहां सोने चांदी की बेचने के लिए, और उसमें से 198 डुप्लीकेट माल बेचते हैं, 2 ओरिजिनल माल बेचते हैं गजराज साहब, और माल तो आपको खरीदना है, क्या करना बोलो बोलो क्या बताओ ना है साहब, हम इनके इतने बड़े लोग इतना बड़ा शोरूम है इतने पैसे वाले उनकी परीक्षा करें, भैया उनकी परीक्षा नहीं तेरे को सोना खरीदना है उसकी परीक्षा करनी है, किसकी परीक्षा करनी है, किनकी परीक्षा करनी है। आई बात सर, अरे तेरी परिणति में धर्म प्रकट करना है, तेरे को सच्चे सिद्धांत कौन बता रहा है उसकी खोज करनी है, कौन गप्पे लगा रहा है उसकी खोज करनी है, क्योंकि तू सच्चा अगर सिद्धांत नहीं समझेगा तो तेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा, और धर्म प्रकट नहीं होगा तो तेरा संसार परिक्रमण मिटे। अच्छा अच्छा तो सब दुकानें बंद कर दो, तो सब दुकानें बंद कर दो तो फिर माल कहां से खरीदे, हाँ
तो कहीं से भी खरीद लूंगा, किसी भी दुकान पे जाकर किसी से खरीद लेगा तो नकली माल आ जाएगा। आई बात समझ, बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अभी हमारी है? कुछ चारों तरफ चाहे आप मोबाइल ओढ़ो तो उस पर आपको धर्म के वो आ जाएंगे, क्या बस उपदेश प्रवचन। ये टीवी खोलो, हर चैनल आपके जो 5-10 चैनल है 24 घंटे। अब मुद्दा है कौन अंदर सही बात बता रहा है, ये बताओ आप। प्रश्न तो ये है, अच्छा अपने को क्या जाता है? अब तो टाइम पास हो जाता है, तो टाइम पास ही होगा तेरा, फिर धर्म नहीं होगा क्या? खूब लोग बाबू जी क्या करते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, तो उनका टाइम पास ही होगा? विचार करते नहीं है, सही गलत की खोज करते नहीं है, जो सुना हाँ कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं है तो ठीक है, और अपने को मानते हैं हम तो धर्मात्मा है, धोखे में हो। गोपा भाई ने राजनीति, ये जैन धर्म है भाई, आई बात समझ में? हाँ, इतना ऐसा इजी नहीं है जैसा आपने समझ लिया है। अपन कुछ भी सुन लो, कुछ भी क्रिया कर लो, आधी अधूरी कुछ भी कर लो, धर्मात्मा हो जाओगे, चक्कर में मत रहना। साहब तो हम परीक्षा कर सकते हैं क्या? हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो दुनिया भर की बुद्धि तो लगाता है लौकिक कार्य में, पर धर्म के क्षेत्र में कौन ने नाम कहा तेरे को अभ्यास करने का? बोलो, कोई एक बात बोल ले ना, इसने इस एंगल से कही थी, उसका तो यही भाव था, ये तो पहले भी ऐसे ही करता है, कितनी बुद्धि लगाता है बाबू। और धर्म के क्षेत्र में यहां आचार्य ने क्या कहा है, क्या अपेक्षा है, उस ग्रंथ में आचार्य ने क्या कहा है, वहां क्या अपेक्षा है, उसका कोई मिलान नहीं करता। अपने को क्या करना है? अरे जिसको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है सत्य की खोज करने की, इसके तो समझ लेना वो सिर्फ समय पास कर रहा है, धर्म तो दूर है। आई बात समझ क्या? कोई क्रिया का जोर है, कोई पद्धति बुद्धि का जोर है, नहीं तो टाइम पास करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप मंदिर क्यों आ गए, क्या करें सुबह सुबह ठीक लगता है, अच्छा ठीक लगने के लिए आए हैं क्या है? बगीचे में क्यों जाता है, वहां पे भी ठीक लगता है, यहां पे भी ठीक लगता है, यहां आने का उद्देश्य क्या है? जाओ सबसे मिल लेते हैं, हाल चाल जान लेते हैं, नहीं बाबू जी है? एक अपना सर्कल बन जाता है, यहां रह रहे हैं तो अच्छा तू इस उद्देश्य से आया है मंदिर, क्या उद्देश्य है बोलो भाई है? नहीं जुड़े रहेंगे तो अपने को समाज में कोई नहीं पहचानेगा, अच्छा तू इसलिए आया तो परमेश्वर भगवान के बाद कि तेरे को समाज में पहचानने लग जाए, क्या उद्देश्य है बोलो भाई? पता ही नहीं। हाँ, अब इतनी जिज्ञासा अंदर में, इतनी उसकी खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मुझे इस परिस्थिति में भी सच्चा मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करना है, तो वो जीव लगेगा। आई बात समझ में? कोई धर्म ऐसा तो नहीं है कोई 2-4 पार्ट बोल दिए और इधर से उधर हल्की चढ़ा दिया और काम हो जाएगा है? इतना सरल है क्या? सत्य और असत्य की खोज तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 2500 वर्ष का कालखंड है, अब इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है कौन खोज करेगा बोलो? नहीं साहब, आप खोज करोगे तो मेरा छाना हुआ काम मेरे काम आएगा, आपका आपको कपड़े कपड़े से छानना पड़ेगा। नहीं मैं जी बैठा है साहब, इतना तो टाइम मिलता ही नहीं हमारे को है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है मनुष्य भाव चला जाएगा, फिर टाइम ही टाइम है आपको, नहीं बाबू जी है, फिर तीरंज गति में चले जाएंगे, फिर समय ही समय है, या तो व्यापार करना पड़ता है, वहां क्या करना है, नहीं अभी जो है, और नरक में चले जाएंगे तो टाइम ही नहीं कटेगा, इतना टाइम मिलेगा वहां। 10,000 वर्ष कम से कम आयु है, काम कुछ नहीं करना है वहां, कोई दुकान नहीं खोलना है वहां, कोई मुनीम नहीं रखना है, नहीं कोई हिसाब मिलाना है, क्या काम है वहां पे, बस मारो काटो। यहां तेरे को समय नहीं मिल रहा है, अरे भैया तेरे आजीविका के योग्य साधन है, तेरी घर गृहस्थी के चलाने जितना तेरे को बाहर में उदय अनुकूल मिला है, तो तू बुद्धिपूर्वक व्यवस्था कर कि मेरे को 2-4 घंटे स्वाध्याय करना है और सही मार्ग खोजना है। हा?
24 घंटे में से 4 घंटे सही नहीं निकाल सकते अपने लिए? बोलो भाई, 24 घंटे में से कितने घंटे बाहर? 4 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते आप? और जिसके पास वो 4 घंटे का भी टाइम नहीं है, उस समझ लेना अब वो ऐसी जगह जाने वाला है कि उसके टाइम ही टाइम रहेगा और कोई इसको जीव नहीं गिनने वाला। आई बात समझ? ये तो पुण्य का उदय है, बाहर में सामग्री है। एक सेकंड पाप का उदय आ जावे या एक नस भूल जावे, आपको पागल कहेंगे दूसरे दिन लोग। अभी आज तुम अपने को बहुत होशियार समझता है ना, एक पाप का उदय आया क्या होगा कजाव साहब? हाँ, सब होश उड़ जाएंगे भैया। समय रहते हुए सावधान हो जाना, जो बात कह रहे हैं उसको गहराई से विचार करना। क्या कह रहे हैं? कि बिना परीक्षा किए सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होता। परीक्षा में बहुत दम है, आप खुद देखना। जैसे आपने मैसूर पाक बनाने के बावजूद विधि महिलाओं ने सीख ली, जो महिला ने एक बार मैसूर पाक बना लिया उसका कॉन्फिडेंस, और जिसने विधि भले 5 मुंह जवानी याद है उसके कॉन्फिडेंस में अंतर नहीं रहेगा। कितना कटोरी शक्कर लेनी, कितने कटोरी आटा लेना, कैसे घी में सेकना, रख लिया, और जिसने बनाया हो उसके दोनों के कॉन्फिडेंस में अंतर नहीं रहेगा। बोलो कहां से आया अंतर? के जवाब साहब, ये अंतर कहां से आया? बोलो भाई बोलो। वो जो वो है ना, ये है परीक्षा का जो ये है। आई बात देखो, क्या कहते हैं? बिना परीक्षा किए सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। क्या कहा? देखो तो पक्ष पड़ा हुआ है, ऐसा पाक्षिक श्रावक तो था ना, जिसको जैन धर्म का पक्ष पड़ा हुआ है उसकी भी चर्चा कर लेंगे, आज्ञा नाम के सम्यक की भी चर्चा कर लेंगे, आज्ञा विजय धर्म ध्यान की भी चर्चा कर लेंगे, निसंग अंग किसको कहते हैं कि जिन्हें भगवान के वचनों में क्या शंका नहीं करना, इसलिए हम तो कोई विचार नहीं करते जिन्हें भगवान ने। ओके, ऐसा ही है ना वही है। अब टोटल साहब कहेंगे वो आगे अब इसकी चर्चा करेंगे। आई बात, बहुत सारे बिंदु में विचार करने के लिए कि एक सम्यक का भेद है आज्ञा सम्यक, एक आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, एक निसंग अंग है ना, तो ये क्या है उसकी चर्चा अभी आगे टोटल साहब खुद प्रश्न खड़ा करेंगे और खुद उसका उत्तर देंगे, ताकि आपको ये बात समझ में आए। मिथ्या तम नास वेकु, ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु, भानु सिब खानी है, छहु द्रव्य जान वेकु, बंध विधि भान वेकु, स्वपर पिछान वेकु, परम प्रमाणी है, अनुभव बताय वेकु, जीव के जताय वेकु, काहू न सताय वेकु, भव्य उर आनी है, जहां तहां तार वेकु, पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु, यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोख,